एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है या सदन में देश को पता चले, लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं? अध्यक्ष महोदय, गोद भराए के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है, 13 से 20 महीने का गर्भाशय दिखाया जा रहा है राजस्थान में और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। लेकिन इन्हें सरोकार, इनके नेता को किससे है? चीन से है। तो चूंकि सब चीन में इतनी रुचि लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इसलिए आज एक सुखद समाचार भी सुनाती हूं। चीन में 31st यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ। 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले, इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया। भारत माँ के टुकड़े के लिए तालियां बजाते थे, भारत माँ के बच्चों के लिए तो बजा दो। 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। आज देश के यूनिवर्सिटी के छात्र देखे कि 31st यूनिवर्सिटी गेम में भारत का नाम रोशन करने वाले छात्रों के लिए मैं गुहार लगा रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अभिनंदन कर दे, लेकिन वो अभिनंदन से भारत के बच्चों को वंचित रखते हैं। बात अभिनंदन की निकली तो एक वो भी थे जिन्होंने आसमान चीरा और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जो व्यक्ति यहाँ पर भारत की आवाज का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने भारत की आवाज में आवाज मिलाकर तब नहीं बोला जब आतंकी